Hey guys, hello everyone. My name is Mayur and you're watching Tosh Power Vlogs. We are back with another video. तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मज़ा बताने वाला है क्योंकि guys कुछ टाइम से जो है बोरिंग सा लग रहा था तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए क्या है थोड़ा सा रॉक किया जाए. सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो अलग अलग टाइप की जो है स्क्रू ड्राइवर मशीन लेकर आ गया हूँ. एक है मेरे पास लोकल वेरियंट और एक जो है ब्रांडेड. सो आज हम इन दोनों मशीन्स का जो है कंपेरिजन करेंगे. इनफैक्ट फाइट भी करवाने वाला हूँ इन दोनों मशीन्स की. प्लस पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, माइनस पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ. क्या कंपनी क्लेम करती है उतना आपको प्रोवाइड करती है कि नहीं ये मशीनें जो कि मैं इस वीडियो के अंदर दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हूँ. सो आप वीडियो पर इसी तरह एंड तक बने रहेगा वरना आप बहुत सी चीज़ मिस कर पाऊंगे और इनफैक्ट मैं प्राइस जो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. सो एंड तक आप वीडियो पर बने रहिएगा. वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दोस्तों मैंने सोचा कि एक बार जो है मशीन्स को अनबॉक्स करने से पहले आप लोगों को दोनों मशीन्स का एक बार वॉक अराउंड दिया जाए. तो यहाँ पर एक तरफ जो है आप मेरे हाथ में देख सकते हो डॉन्चिंग की स्क्रू ड्राइवर मशीन जो कि कोर्डलेस है और दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप की स्क्रू ड्राइवर मशीन जो कि ये भी कोर्डलेस है. सो इन दोनों मशीन्स की कॉमन बात यह है कि ये दोनों मशीन जो है स्क्रू ड्राइवर है. दूसरी बात यह है कि ये दोनों मशीन्स जो है 12 वॉट की आपको देखने मिल जाती है. सो अब तक आपने इन दोनों मशीन्स को देखकर पता चला ही लिया होगा कि इन दोनों मशीन्स में कौन सी जो है लोकल ब्रांड है और कौन सी जो है प्रीमियम प्रोफेशनल क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टॉप जो है ये आपको लोकल ब्रांड देखने मिल जाती है डॉन्चिंग की. तो ये जो है आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाते हैं. तो अभी हम जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेक्स्ट स्टॉप से. जिस हिसाब से गाइस इस मशीन की प्राइसिंग है उस हिसाब से जो है इसकी पैकेजिंग मुझे ठीक लग रही है. नेक्स्ट स्टॉप की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इस कवर पर प्रोवाइड होगी और यहाँ पर ये बॉक्स जिसके ऊपर आपको ब्रांडिंग नेम तक नहीं देखने मिलता है. तो ये बॉक्स जो है ठीक ठाक खड़ा भी नहीं हो पाता है. सो आप इस बॉक्स की जो है क्वालिटी देख सकते हो कि किस टाइप से एक ठीक क्वालिटी एक बेसिक क्वालिटी जो आपको इस बॉक्स का देखने को मिल जाता है. सो सबसे पहले हम जो है इस मशीन की स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं. सो यहाँ पर 12 वोल्ट की जो है आपको ये मशीन देखने को मिल जाती है और तो और जो इसकी मशीन की RPM है वो यहाँ पर आपको जो 350 से लेकर जो 1350 तक का जो है RPM देखने को मिल जाएगा. ड्रिल कैपेसिटी की बात करूँ तो 10 mm की जो है आपको ड्रिल कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी ये मशीन. क्या टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पर 28 Nm ऑफ टॉर्क आपको इस मशीन का देखने को मिल जाता है. सो ये तो हो गया इस मशीन की स्पेसिफिकेशन की बात और ये है अपना बॉक्स और इस बॉक्स को खोलने का मैं काफ़ी ज़्यादा उतावला हूँ. सो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो आपका बॉक्स खोल जाता है और आप देख सकते हो अंदर जो भी है ये तीन चीज़ें हैं मशीन चार्जर और जो है एक एक्स्ट्रा बैटरी. सो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से जो आपको मशीन देखने को मिल जाती है. मशीन की क्वालिटी आप देख ही सकते हो कि किस टाइप इससे जो है आप चेंजेस कर सकते हो. यहाँ पर ये है अभी सेकेंड मोड. सो सेकेंड मोड पर जब आप लाओगे तो ये जो है 350 का जो आपको RPM प्रोवाइड करेगी जो कि इतनी स्लो घूमेगी और फर्स्ट पे लाओगे जो कि आपको 1350 तक का जो है RPM प्रोवाइड करेगी जो कि स्पीड होगी. और इसके अंदर जो आपको वेरिएबल स्विच देखने को मिल जाता है जिस हिसाब से जो आप इस मशीन को चलाओगे उतनी स्लो ये मशीन जो है चलेगी. जैसा स्विच प्रेस करोगे वैसे जो है मशीन की स्पीड बढ़ती जाएगी. और इसके अंदर आपको बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है कि कितनी जो है आपके बैटरी के अंदर चार्ज बची है. सो वो यहाँ पर आपको मेंशन होगा. और इसके अंदर आपको कीलेस चक देखने को मिल जाता है. जो बीट है उसको टाइट भी आपको हाथ से ही करना है और निकालना भी उसको हाथ से ही है. और इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर टॉक सेट देखने को मिल जाता है. अल्ट्रा टॉक की ये मशीन आपको देखने को मिल जाती है. और ग्राफिक की बात करूँ तो काफ़ी एक डिसेंट ग्राफिक आपको देखने को मिल जाती है. ग्रीन कलर की आपको मशीन की बॉडी देखने को मिल जाती है. ब्लैक कलर के जो है चक और जो भी है आपको फंक्शंस आप देख सकते हो. और ये आपको बैटरी देखने को मिल जाती है कुछ इस टाइप से जो है लिलॉन की बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 12 वोल्ट की. अब आई डोंट नो कि ये OG लिलॉन की बैटरी है या सिर्फ स्टिकरिंग की हुई है. सो यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया लिलॉन की बैटरी है तो लिलॉन की बैटरी है भाई. पीछे थोड़ी आपको मॉडल नंबर और जो इसके सीरियल नंबर आपको देखने मिल जाते हैं. ये कुछ हो गया इस मशीन का आपको चार्जर जो कि एक नॉर्मल चीप क्वालिटी वाला चार्जर है. इसके अंदर आपको लाइट ब्लिंक करती है. सो ये हो गया इस चार्जर का पिन और जो कि आपको ये एक्स्ट्रा बैटरी जो कि ये भी लिलॉन की सेम एज वेल बैटरी है. और इसके अंदर जो है आपको इस पिन को इस तरह से जो है लगाना है और आप जो है अपने बैटरी को जो है चार्ज कर सकते हो. सो कुछ इस टाइप से. सो ये तो हो गई इस मशीन की बात. और अब इस मशीन की प्राइस की बात करूँ तो 1700 रुपये की जो है ये आपको मशीन देखने मिल जाती है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से इस मशीन की प्राइसिंग है उस हिसाब से मशीन काफ़ी बढ़िया आप बोल सकते हो. सो अब आते हैं हम डॉन्चिंग के ऊपर. तो हैवी बॉक्स जो है इस डॉन्चिंग के
कोडलेस का देखने को मिल जाता है। जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इस स्टिकर पे देखने को मिल जाता है। सो क्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस डॉन्चिंग यहाँ पर आपको ब्रांडिंग नेम देखने को मिल जाती है, मॉडल नंबर आपको इस मशीन का देखने को मिल जाता है, 12 वोल्ट मैक्स लिलॉन बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर आपको जो है एक एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिल जाता है जो कि 2.0 mAh की बैटरी है जो कि लिलॉन की है, और फुल चार्ज होने पर जो है 1.5 मतलब डेढ़ घंटा जो है नॉन स्टॉप ये मशीन जो है आपको चल लेगी। दो ग्रुप्स आते हैं बैटरी के, यहाँ एक जो है मशीन के अंदर लगा हुआ है और एक आपको एक्स्ट्रा। और इस मशीन के ड्रिलिंग कैपेसिटी की बात करें 10 mm की जो है आपको ड्रिलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इंचेस की बात करूँ 3/8 inch की जो है आपको मशीन देखने को मिल जाती है। और टॉर्क सेट की बात करूँ तो इसके अंदर 18+1 जो है वो ड्रिल मोड है और 18 जो है आपको टॉर्क सेट देखने को मिल जाते हैं। और इस मशीन के अंदर भी RPM की बात करूँ तो यहाँ पर 400 से लेकर जो है 1500 तक के RPM देखने को मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की बात करूँ तो 22 से लेके जो है 35 तक का जो NMF टॉर्क आपको इस मशीन का देखने को मिल जाता है। 1 kg का जो है ऑल तो आपको वेट देखने को मिल जाता है। सो अब फटाफट से खोलते हैं इस मशीन को, और बॉक्स को खुलते ही आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन बीट दिया हुआ है डॉन्चिंग का ओरिजिनल। सो प्लस और माइनस जो कि सही है, एक देना चाहिए कंपनी को ताकि आपका काम नहीं रुके। और यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है वारंटी कार्ड, और ये 6 मंथ की आपको कंपनी क्लेम करती है वारंटी, ये बैटरी की शायद वारंटी, और यहाँ पर ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक आपको देखने मिल जाती है जो कि आप फुर्सत में पढ़िएगा। और तो और इस मशीन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस टाइप से जो है मशीन देखने मिल जाती है। ये है मशीन की ग्राफिक, ओ हो हो क्या ही प्रीमियम क्वालिटी है मैन। यहाँ पर ब्लूइश कलर की आपको मशीन की बॉडी देखने मिल जाती है, और लेफ्ट राइट के इसके अंदर आपको स्विच है, जो भी जितने स्विचेज है वो सारे के सारे जो आपको रेडिश कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड मोड है, यहाँ पर आपको ड्रिल के जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर डॉन्चिंग का जो ब्रांडिंग नेम है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है जिससे आपकी मशीन और दिखने में प्रीमियम लगती है। ओहो कूल यार, 3D टेक्सचर आपको इस डॉन्चिंग ब्रांडिंग नेम का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये कुछ आपको जिस तरह से जो बैटरी मैगजीन निकलती है, यहाँ पर 12 वोल्ट का मेंशन किया हुआ है। सो ये तो हो गई आपके मशीन की यहाँ पर क्वालिटी की बात, और यहाँ पर 1 से लेकर जो है यहाँ पर आपको 18 तक का जो है टॉर्क सेट तो देखने को मिलता है, प्लस 1 जो कि आपको है ड्रिल मोड। सो ये काफ़ी सही है। सो इस टॉर्क सेट से जो है इस तरह से जो है लॉक हो जाएगी जिससे आपका बीट जो है ख़राब नहीं करेगी। सो इसलिए जो है स्क्रू ड्राइवर मशीन लोग लेते। सो यहाँ पर सेम आपको जो है वही एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने मिल जाती है लिलॉन की। सो यहाँ पर 12 वोल्ट आपको देखने मिल जाता है, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है चार्जर जिसके अंदर आपको लाइट इंडिकेट करने के लिए लाइट दी हुई है, और इसको बैटरी को कुछ इस तरह से जो आपको चार्ज करना है, और ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, और जो है आपको प्लग में सीधा जो है डाल देना है। यहाँ पर आपको मेंशन भी किया है कि जब बैटरी खाली रहेगी तो आपको रेड लाइट शो करेगी, और जो है बैटरी फुल होने पर ग्रीन लाइट शो करेगी। और अब जो है मैं आपको मशीन की प्राइसिंग बता देता हूँ, मात्र 3000 रुपये की गाइस ये मशीन है, और मेरे ख्याल से आपको 3000 एक बेस्ट ऑप्शन है और एक ठीक ठाक प्राइस जो है कोडलेस के लिए। यार 3000 बहुत कम है गाइस, सीरियसली। सो यहाँ पर ये कोडलेस ब्रशलेस आपको 3000 रुपये में जो है आपको ये मशीन देखने मिल जाती है, इसके अंदर भी आपको जो है लाइट देखने मिल जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मशीन को बाय करने में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी जो है लिंक दे रखी है, जाके बाय कीजिए। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अभी आपको पता है कि कितना क्या है, जितना हो सके इस वीडियो को कर दो शेयर लोगों को, और लाइक कर दिए इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।